असल मैं हूँ दिल इम्तियाज और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन आपने ऐसी बहुत सी वीडियोस देखी होंगी फिल्में देखी होंगी नावल पढ़े होंगे जिसमें इंसान एक सोलर सिस्टम से निज़ाम शमसी से दूसरे निज़ाम शमसी में यूँ पहुँच जाता है आपको बहुत सी ऐसी टेक्नोलॉजीज नज़र आ रही होंगी जो कि इंसान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं हम इन्हें साइंस फिक्शन कहते हैं लेकिन इंसान और साइंसदान इन पर बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रहे हैं बहुत से ऐसे तरीके ढूंढ़े जा रहे हैं जिसके ज़रिए हम अपने निज़ाम शमसी से दूसरे निज़ाम शमसी तक सफ़र कर सकें कुछ लोगों का ख़्याल है कि ये एक फजूल किस्म की तगदो है लेकिन इंसान की नोयीत और उसकी तारीख को देखते हुए हम समझते हैं कि इंसान हमेशा आगे से आगे जाना है तो मैं आपको इस सीरीज़ में ऐसी बहुत सी टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि इंसान ईजाद कर रहा है कि वो किस तरीके से निज़ाम शमसी से बाहर निकल सकता है सबसे पहला सवाल यह है कि हमारे निज़ाम शमसी से बाहर निकलने के लिए इतनी मुश्किल क्यों तो चलें ज़मीन से बाहर निकलने के लिए हम देख लेते हैं कि हम किस किस्म की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं आपने रॉकेट्स देखे होंगे और रॉकेट पर मैं बहुत सी वीडियोस बना चुका हूं उनके अंदर लिक्विड और गैशो फॉर्म में कंप्रेस्ड फॉर्म में फ्यूल भरा जाता है उसमें ऑक्सीजन भी होती है कंप्रेस्ड ऑक्सीजन भी होती है और उनको जलाया जाता है ताकि फ्लू गैसेज नीचे निकले और रॉकेट ऊपर की तरफ जाए रॉकेट के अंदर भी फ्यूल होता है और उसके साथ बूस्टर्स लगे होते हैं जो कि आपको दाएं और बाएं रॉकेट के सफ़ेद रंग के बूस्टर्स नजर आ रहे हैं मिसाइल्स की तरह इनमें भी फ्यूल होता है सिर्फ अगर बूस्टर की हाइट देख ली जाए तो बड़े रॉकेट में ये बूस्टर 48 मीटर लंबे होते हैं तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमें कितना ज्यादा फ्यूल चाहिए जमीन से बाहर निकलने के लिए सिर्फ 300 किलोमीटर एल्टीट्यूड पर जाने के लिए हमें कितना ज्यादा फ्यूल दरकार है तो अगर जमीन की ग्रेविटेशनल पुल के लिए हमें इतना फ्यूल दरकार है तो सूरज की ग्रेविटेशनल पुल के लिए क्योंकि अगर हम सोलर सिस्टम से बाहर निकलेंगे हमें कितनी ज़्यादा पावर की ज़रूरत होगी कितनी ज़्यादा ताकत की ज़रूरत होगी बहुत से एस्टिमेट लगाए गए और उन एस्टिमेट्स की बेसिस पर यह कहा जाता है कि शायद हमें हज़ारों साल चाहिए इस वक्त जो टेक्नोलॉजी हमारे पास है इस वक्त जो फ्यूल हमारे पास है उसके मुताबिक एक सियारे से एक सितारे से दूसरे सितारे तक पहुंचने के लिए तो जो सबसे करीबी सितारा है उस तक हम हज़ारों साल में इंसान को लेकर जा सकते हैं ये तो बहुत मुश्किल मरहला है इसका मतलब यह है कि हमें अपनी टेक्नोलॉजी को और अपने फ्यूल को बेहतर करना पड़ेगा हमें नई किस्म के फ्यूल लाने पड़ेंगे जो कि खला में हमें तेजी से एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाए हम हजारों साल तक जिंदा नहीं रह सकते और खला में मल्टीपल जनरेशन का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है इसलिए बहुत ज्यादा रिसर्च हो रही है नासा में भी बहुत ज्यादा रिसर्च हो रही है और बाकी जगहों पर भी बहुत ज्यादा रिसर्च हो रही है और उसमें जो एक कंटेंडर है एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिस पर बहुत ज्यादा काम किया जा रहा है उसका नाम है आयोन इंजन जब हम 100 गैलन फ्यूल जलाते हैं एक रॉकेट में तो जो उसकी एफिशिएंसी है जो उसकी आउटपुट हमें नजर आती है कि रॉकेट ऊपर जा रहा है उसमें सिर्फ 35 गैलनों की ताकत इस्तेमाल हो रही है इसका मतलब यह है कि उसकी एफिशियंसी पैंतीस है तो सिर्फ पैंतीस फ्यूल हम कारामद आउटपुट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं बाकी उसके इंटरनल लॉसेज और उन चीज़ों में ज़ाय हो रही है लेकिन आयोन इंजन की अगर बात की जाए तो इसकी जो एफिशिएंसी है वो 95 परसेंट कुछ जगह पर 90 परसेंट लिखा गया है लेकिन आगे जो आयोन इंजन आ रहे हैं वो नाइन्टी परसेंट तक है यानी अगर नाइन्टी परसेंट भी लगा लिया जाए तो कितना ज्यादा एफिशेंट इंजन है और जिस तरीके से ये इंजन आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेस करेगा ये इंसान को बहुत जल्दी दूर दराज की मंजिलों तक लेकर जाएगा आयन इंजन काम कैसे करता है मैं आपको यहाँ पर एक थ्रस्टर का चैंबर दिखा रहा हूँ थ्रस्टर्स हर सेटेलाइट के साथ आपको नजर आते हैं जो कि थ्रस्ट देते हैं छोटे छोटे इंजन होते हैं और आपने कभी देखा भी हो, होगा तो उसमें आपको फ्लेम नजर आता है और उसके साथ ही सेटेलाइट अपना एंगल चेंज करती है तेजी से आगे बढ़ती है या अपने एंगल को मनोवर करती है वो थ्रस्टर्स होते हैं थ्रस्टर्स के बीच में आपको ये चैंबर नजर आ रहा है जिसका मैंने काट कर क्रॉस सेक्शन एरिया आपको दिखाया है इस सेक्शन में देखें तो आपके पास अगर लेफ्ट साइड पर देखें तो दो किस्म की चीजें अंदर की तरफ आ रही है एक है जीनॉन आइटम्स जीनॉन एक एलिमेंट है जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे और उसके आइटम्स भरे जा रहे हैं इस चैम्बर में हम भर रहे हैं और दूसरी चीज है इलेक्ट्रॉन्स हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स ये ऐसे इलेक्ट्रॉन है जिनके पास बहुत ज्यादा एनर्जी है और ये जीनॉन आइटम्स को आकर हिट करते हैं अब एक कमरा है और उसमें आपने जीनॉन आइटम्स भरे हुए हैं और आप उन पर बरसा रहे हैं बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी रखने वाले इलेक्ट्रॉन्स तो वो इलेक्ट्रॉन्स जब जीनॉन एटम के साथ जाकर कोलाइड करेंगे तो उसके अंदर जीनॉन ऐटम के अंदर के इलेक्ट्रॉन को भी बाहर निकाल देंगे तो अब जीनॉन आइटम एक आयन बन जाएगा पॉजिटिव आयन बन जाएगा क्योंकि उसका एक इलेक्ट्रॉन या उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कम हो गए और उसकी वजह क्या है कि हमने उस पर इलेक्ट्रॉन बरसाए अब जो इलेक्ट्रॉन्स का पूल होगा उसको ऊपर और नीचे वाली जो प्लेटें लगी हैं ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेटें ये अपनी तरफ खींच लेंगी तो जितने भी इलेक्ट्रॉन इस चैम्बर में प्रोड्यूस होंगे वो ऊपर और नीचे चले जाएंगे पीछे रह गए जीनॉन नॉन वो आगे की तरफ जाएंगे और ग्रिड की तरफ जाएंगे आपको यहां पर दो ग्रेड नजर आ रहे हैं एक नेगेटिव ग्रेड और एक पॉजिटिव ग्रेड इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है बहुत ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस है तो जैसे ही आयन इनके अंदर जाएगा तो एकदम स्पीड से बाहर की तरफ निकलेगा एग्जॉस्ट होगा जिस तरीके से आप स्लाइड पर स्पीड से नीचे आते हैं इसी तरीके से ये भी एक स्लाइड है और बहुत तेजी से आयन बाहर की तरफ निकलेगा और क्योंकि आयन बहुत तेजी से बाहर की तरफ निकलेगा तो ये थ्रस्टर आगे की तरफ लग जाएगा और इसके साथ जो सेटेलाइट है या जो भी स्पेस क्राफ्ट है वो भी आगे की तरफ जाएगा तो ये इसका बेसिक असूल है कि किस तरीके से आयन इंजन काम करते हैं फिलहाल एक हजार किलोमीटर एक सौ पैंतालीस हजार किलोमीटर पर आर की रफ्तार से यह आगे जा सकते हैं बहुत ही छोटी फोर्स एग्जर्ट करते हैं जब आयन बड़ी तेजी से बाहर की तरफ निकलते हैं मैं आपको यह फोर्स यहां पर दिखा रहा हूं यह फोर्स तकरीबन पॉइंट जीरो नाइन टू न्यूटन है कितनी छोटी फोर्स है अगर आप अपने हाथ पर एक सफा रखें तो वो पॉइंट जीरो नाइन टू न्यूट्रन फोर्स आपके हाथ पर एग्जर्ट करेगा इतनी छोटी फोर्स है जमीन पर तो ये काम नहीं कर सकते लेकिन स्पेस में काम कर सकते हैं क्योंकि वहां पर ड्रैग नहीं होती वहां पर हवा नहीं होती तो उसका ड्रैग नहीं होता वहां पर किसी किस्म की फ्रिक्शन नहीं होती तो आपने छोटी सी भी फोर्स दी तो वो चीज आहिस्ता आहिस्ता एक्सरेट करती जाएगी एक्सरेशन इनकी बड़ी स्लो होती है तो अगर आपने गाड़ी लेनी है आपकी कोशिश होगी कि ऐसी गाड़ी लूं जो फॉरन शॉर्ट किलोमीटर पर आर की स्पीड तक जाए लेकिन अगर आप आयोन इंजन की बात करें तो ये चार घंटे लेते हैं जीरो से लेकर 400 किलोमीटर पर आर की स्पीड को अटेन करने के लिए तो बहुत स्लो एक्सरेट करवाते हैं सेटेलाइट को स्पेस को स्पेस में इनकी फोर्स बहुत कम होती है इनके लिए बैटरी की जरूरत नहीं होती फ्यूल की जरूरत नहीं होती आपका वेट बहुत ज्यादा कम हो जाता है और इसमें इस्तेमाल करें हम जीनॉन ऑन तो जीनोन एटम्स का इस्तेमाल करने की वजह यह है कि एक तो वो हाई ऑटोमिक मैस रखते हैं आप अगर जीनोन एटम का ऑटोमिक नंबर देखे तो मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं तो काफी ज्यादा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स मौजूद होते हैं उसमें तो आपने एक ऐसा आइटम लेना है जिससे आप इलेक्ट्रॉन आराम से निकाल भी सकें इनर्ट गैस है दूसरा फायदा है कि किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती और हाई स्टोरेज डेंसिटी अगर आपने 400 किलोग्राम कि जीनॉन गैस को स्टोर करना है जो कि इन इंजन के लिए की जाती है तो आपको इतना बड़ा इतना बड़ा कंटेनर चाहिए तो बहुत ज्यादा स्टोरेज की जरूरत भी नहीं है आपको किसी किस्म की बैटरी की जरूरत नहीं है सोलर पैनल्स काम चला रहे होते हैं और उसके बाद आयन इंजन काम कर रहे होते हैं तो आयन इंजन बहुत ज्यादा इस्तेमाल भी किए जा रहे हैं यह हमें नई टेक्नोलॉजी लगती है लेकिन पहली मरतबा उन्नीस सौ में इस्तेमाल हुई थी जब एक मिशन जिसे डीप स्पेस वन मिशन कहा जाता है उसका इजरा किया गया इस मिशन में नासा जितनी चीजों पर भी रिसर्च कर रही थी वो सारी उसने डाल दी बीच में अगर वो आयोन इंजन पर रिसर्च कर रही थी आयोन इंजन लगा दिए इसी तरीके से अगर वो सोलर एरेज पर काम कर रही थी तो वो भी इसके अंदर डाल दी ताकि वो टेस्ट कर सके अपनी नई टेक्नोलॉजी इस मिशन का काम यह था कि इसने कुछ कॉमेट्स को कुछ को और उसके साथ साथ मार्स को उस पर रिसर्च करनी थी उसके इमेजेस भेजने थे उसके बाद डॉन मिशन के लिए आयोन इंजन इस्तेमाल किया गया बहुत बड़ा मिशन है जो कि तकरीबन 6.9 बिलियन किलोमीटर्स जो है उसने ट्रेवल किए हैं 11 सालों में और ये सारा का सारा आयोन इंजन की बदौलत हुआ मैं आपको यहां पर एक तस्वीर दिखा रहा हूं आप स्टैट्स देख सकते हैं कि इक्यावन हजार तीन सौ पचासी आर वर्किंग के इक्यावन हजार आर्स तक आयन इंजन काम करता रहा इसने लाखों तस्वीरें भेजीं एक सौ बहत्तर जी बी का डेटा भेजा और फोर पॉइंट थ्री उस वक्त था और अब ये सिक्स पॉइंट नाइन बिलियन किलोमीटर्स हैं ये फोर पॉइंट थ्री बिलियन माइल्स हैं तो वो किलोमीटर्स में अगर आप लेके जाएं तो आपके पास आ जाता है और इसका काम क्या था इसने विस्टा और सीरीज के ऑर्बिट किए और साथ साथ इसके अलावा भी बहुत से मिशन कर लिए तो इतना कम फ्यूल के साथ हमने इतना ज़्यादा काम कर लिया नासा इसकी पावर को बहुत ज़्यादा बढ़ाना चाहता है क्योंकि आयन इंजन अभी भी स्लो है मैंने आपको बताया कि इसके एक्सल काफ़ी स्लो करता है इसको बढ़ाने के लिए हमें इसके ग्रिड की पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाना पड़ेगा जो कि ग्रिड मैंने आपको नेगेटिव और पॉजिटिव बताया था और उसके लिए एक मिशन तश्कील दिया गया जिसे जिमो मिशन कहा जाता है ये जुपिटर पर जाना था और इसके साथ इसने इसके चांद के गिर्द जो चार चांद हैं उनके गिर्द भी चक्कर लगाने थे इस स्पेसक्राफ्ट के लिए आयोन इंजन डिज़ाइन किया जा रहा था जिसमें न्यूक्लियर रिएक्टर शामिल किया जा रहा था ताकि इस आयोन इंजन की स्पीड बढ़ाई जा सके और इसको ज़्यादा तेज़ी से आगे लेकर जाया जा, जा सके लेकिन ये मिशन कैंसिल हो गया क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्टर को स्पेस में भेजना इस पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन हुई और इस मिशन को ख़त्म कर दिया गया लेकिन उसके साथ साथ नासा आयोन इंजन पर बहुत ज्यादा रिसर्च करी है और इसका जो लेटेस्ट वर्जन है उसे हॉल इंजन कहा जाता है जिसकी फोर्स 5.4 फोर न्यूटन है तो कहां पर हम पॉइंट न्यूटन की बात कर रहे थे हाथ पर सफे की बात कर रहे थे अब 5.4 फोर न्यूटन फोर्स है और इसे मार्स के लिए यूज किया जाएगा जब मार्स पर मिशन भेजने हैं और इंसानों को भेजना है तो वहां पर ही हॉल थ्रस्टर्स का इस्तेमाल किया जाएगा मैं अभी आपको इसके बारे में जानकारी दे रहा हूं लेकिन हम जमीन के अंदर और जमीन के करीब भी आयन इंजन को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसके लिए नई किस्म के आयन इंजन बनाए जा रहे हैं जिनका नाम है एयर ब्रीदिंग आयन इंजन ये लो अर्थ ऑर्बिट में घूमेंगे जमीन के गिरद जहां पर हवा मौजूद है कम है लेकिन मौजूद है और हवा से हवा को लेंगे एयर को लेंगे और आयोन्स प्रोड्यूस करेंगे और उनकी मदद से चलेंगे तो इनको जीनॉन एटम्स की जरूरत नहीं है ये हवा से ही काम करेंगे तो अब आप इमेजिन कीजिए कि हवा तो वहां पर मौजूद है तो ये ज़मीन का चक्कर लगाते रहेंगे इनको फ्यूल की ज़रूरत ही नहीं है और साइंटिस्ट ये कहते हैं ये जो जुमला है ये साइंटिस्ट का है कि थेरेटिकली ये स्पेस क्राफ्ट हमेशा ज़मीन के गिर्द बगैर फ्यूल के चक्कर लगाता रहेगा प्रैक्टिकली उसको इफेक्ट्स आएंगे लेकिन ये एक बहुत बड़ी लीप है जंप है कि हम किस तरीके से बहुत कम एनर्जी से बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं और क्योंकि ज़मीन के करीब यह काम कर सकता है तो ज़मीन के एटमोसफेयर में भी काम कर सकता है एम ने एक जहाज़ बनाया है उन्होंने बहुत से एक्सपेरिमेंट्स किए हैं और इस पर रिसर्च पेपर लिखा है जो कि नेचर में भी पब्लिश हुआ है और इस जहाज़ को आयन इंजन के साथ पावर किया गया तो आप देख सकते हैं कि ये एक जहाज इसका डिज़ाइन ऐसा है कि इसको बहुत ज़्यादा कम वेट दिया गया लेकिन इसके साथ साथ इसको किसी किस्म के फ्यूल की जरूरत नहीं होगी ये आयन इंजन के साथ एक जगह से दूसरी जगह जाएगा और इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च की जा रही है कि ज़मीन की जो ट्रांसपोर्टेशन है अंदर उसको आयन इंजन के साथ कैसे हम पावर कर सकते हैं तो आयन इंजनस आयन ड्राइव्स एक ऐसी सोर्स ऑफ इंस्प्रेशन है जो कि साइंसदानों को उम्मीद दिला रही है कि हम इनको एक मरतबा ज़रूर इस्तेमाल कर सकेंगे एक स्टार से दूसरे स्टार तक जाने के लिए तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को इसमें जो हमने इंजन को डिस्कस किया ये आपको पसंद आई होगी तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और आने वाली वीडियोज़ का इंतजार कीजिए